हाय फ्रेंड्स, आजकल जैसे आपको पता ही है, लव जिहाद का मामला आजकल काफ़ी डिस्कशन में है, करंट टॉपिक में। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने वाले। तो चलिए, आज मैं लव जिहाद के बारे में तो नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक है एंड आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू एनी कॉन्ट्रोवर्सी बाई कीपिंग माई ओपिनियन देकर। बट आई विल और मैं आपको इंटरकास्ट मैरिज के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अभी भी इंडिया में कि मैक्सिमम राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं है। अलाउ इन द सेंस कि कम्युनिटीज अलाउ नहीं करते। लीगल रूप से तो कोई भी किसी के साथ शादी कर सकता है, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज के लिए फैमिलीज काफ़ी अपोज करते हैं, जो कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं, और वो हमेशा चाहते हैं कि कास्ट में ही शादी हो। एंड कुछ फैमिलीज में तो फैमिलीज में ही शादी होते हैं। तो साइंटिफिकली, मोरली या फिर सोसाइटी वाइज तो मैं नहीं जाऊंगा कि क्या गलत है क्या सही है, बट मैं आपको साइंटिफिक ओपिनियन इसके बारे में देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इंटरकास्ट मैरिज, साइंटिफिकली इंटरकास्ट मैरिज इज़ गुड इसलिए कि जैसा कि हम आप सबको पता है, अगर नहीं भी पता है तो हम सबके अंदर जीन्स होते हैं। जीन्स मतलब कैरेक्टर्स जो हम डेवलप करते हैं फैमिलीज में। इसीलिए जो बच्चा या बच्ची होते हैं वो अपने फादर या मदर जैसे लगते हैं, क्योंकि वो उनके जो बॉडीज बॉडी में उनके फादर या मदर से जीन्स एक्सेप्ट करते हैं। तो मतलब जब पेट में बच्चा होता है तो अब वो अपने फादर या मदर से के गुण उनमें लाते, तो वो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। जीन्स आपके बच्चे में आते ताकि वो। तो जो जो कास्ट में जो मैरिज होते हैं एक ही कास्ट में, तो वो सदियों से एक ही कास्ट में वो जीन्स मतलब रहते हैं। तो यानी कि वो इंटरप्रेट होते, यानी कि कुछ कुछ उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट या फिर इसमें कुछ बदलाव नहीं आता है। तो बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो मैरिज में अगर इधर क्लोज रिलेटिव्स होते हैं या फिर डिस्टेंट, इवन इफ डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं या फैमिलीज में मैरिज होता है या फिर काफ़ी क्लोज कास्ट में मैरिज होता है, तो इससे क्या होता है ना, जो बच्चों में इतना कुछ नया कुछ नहीं आता है। एंड बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि कुछ कुछ फैमिली के जो डिजीज़ है वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे, जैसे इंडिया में सिंधी फैमिलीज में या पटेल फैमिलीज में सिकल सेल एनीमिया होता है, थैलेसेमिया होता है, जो कि फैमिलीज में जेनेटिक ट्रांसफर से क्या ही होता है। तो अगर इन इस केस में अगर आप फैमिलीज में शादी करते हैं या अपने ही कास्ट में शादी करते हैं, तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जो बच्चे को ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के लिए। जबकि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो ये सब जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी जो बच्चों में, इफ वेरी क्लोज रिलेटिव्स में शादी होता है तो बच्चे प्री मैच्योर हो सकते हैं, बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है, बच्चों में डेवलपमेंट का डिले बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जेनेटिक डिजीज़ है विच कैन हैपन इफ पीपल मैरी वेरी क्लोज इन कास्ट एंड इन फैमिलीज। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वी शुड एक्चुअली ट्राई फॉर और लुक फॉर, या फिर अगर इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं है फैमिली में, बट ये इतना कुछ बुरा चीज़ भी ना हो। बहुत सारे ऐसा भी चीज़ देखा गया कि व्हेनेवर जो जीन्स मिक्स होते हैं, जो जब पॉसिबल है इंटरकास्ट मैरिज में, उससे जो बच्चा होता है वो काफ़ी हद तक मतलब इस अच्छा पाया जाता है, मतलब अच्छा देखा था, मैं करेक्ट हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन जो बच्चे वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा ऐसा देखा गया है। इसका कोई गारंटी नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा देखा गया कि वो, क्योंकि वो उसमें क्या डिफरेंट पूल ऑफ जीन्स मिक्स होते हैं, तो बहुत सारा चीज़ अच्छा निकल के आता है। तो एंड अभी अभी मॉडर्न भी है युग, तो अगर कोई फैमिली में आपके इंटरकास्ट मैरिज करता है तो साइंटिफिकली एटलीस्ट मैं तो बोलूँगा कि अच्छा बात है। कस्टम वाइज आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, एंड अगर आप मतलब हमारे फैमिली में तो काफ़ी इंटरकास्ट मैरिज है एंड वी आर ऑल हैप्पी विथ इट। सो गाइज, गिव इट अ थॉट। आपका अगर कुछ अलग ओपिनियन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, वी विल डिस्कस। एंड मैं
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली शेयर कीजिए। थैंक यू।